प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल ही में कुछ छोटी छोटी गायों को दुलार करते दिखे थे। मोदी के इसी पशु प्रेम से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वायरल फोटोज में लोगों को काफी छोटी गायें देखने को मिली थी। पीएम मोदी को भी पहली बार इन गायों को यूं पुचकारते देखा गया। राजनीतिक जानकारों की माने तो पीएम मोदी इन गायों के जरिए दक्षिण भारत के वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति एक्सपर्ट्स का मानना है जिन गायों के साथ पीएम मोदी की फोटो चर्चा का केंद्र बनी उनका दक्षिण भारत में खासा महत्व है। इन चीजों से इतर कई लोग इन गायों के बारे में जानना चाह रहे थे। आइए जानते हैं पुंगनूर गायों के बारे में। पीएम मोदी ने जिन गायों को दुलारा उन पुंगनूर गायों का कनेक्शन आंध्र प्रदेश से है। आंध्र की नहीं बल्कि समूचे दक्षिण भारत में इन गायों को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं हैं। यह भी माना जाता है अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन से जब कोई दुर्लभ चीजें निकली थी उनमें से एक सुरभि गाय थी। सुरभि गाय को वेद पुराणों में कामधेनु भी कहा जाता है। आंध्रवासी मानते हैं पुंगनूर ही उस सुरभि गाय का स्वरूप है। पुंगनूर गाय की यह नस्ल चित्तूर जिले की है जिसकी कीमत 2 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक की होती है। ऐसा माना जाता है इस गाय के दूध में कई औषधीय गुण होते हैं। पुंगनूर गाय 70 से 90 सेंटीमीटर ऊंची होती है और इसका वजन 100 से 200 किलो होता है। इस नस्ल की एक गाय रोजाना करीब 3 लीटर तक दूध देती है। यह दूध अधिकतम 1000 रुपए लीटर तक बिकता है और इससे बने घी का दाम 10 से 50,000 रुपए तक प्रति किलो होता है। ऐसा बताया जाता है भगवान तिरुपति बालाजी का अभिषेक इसी पुंगनूर गाय के दूध से होता है। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के लिए जो लड्डू बनता है उसमें भी इसी गाय के दूध का इस्तेमाल किया जाता है। आंध्र में पूर्वी गोदावरी जिले के लिंगमपट्टी गांव में 4 एकड़ में फैली गौशाला में पुंगनूर गाय का फिलहाल संरक्षण किया जा रहा है। यह गाय जितनी छोटी होती है इसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होती है। पिछले कुछ साल से पुंगनूर नस्ल के संरक्षण पर काम हो रहा है। यह देश में सबसे कम संख्या वाली गौवंश नस्लों में 3रे नंबर पर है। IVF तकनीक से आंध्र प्रदेश सरकार इसकी आबादी बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है।